चाची, सुजाता चाची, 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 आप यहाँ आइए ना, आइए 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 बैठ जाइए। नहीं चाची, अथर्व ऐसे कैसे कर सकता है? ऐसे कोई करता है क्या, वो भी इतने लोगों के सामने? मैं इंसान हूँ, कोई चीज थोड़ी हूँ जो शर्त लगाएगा मुझ पर। बेटा अथर्व से तुम्हें? नहीं चाची, ये गलत बात है। मेरे पापा ने उसके लिए इतना सब कुछ किया और अब अथर्व। आपका ये माइक्रोवेव की तरह गरम बेटा ना ट्यूबलाइट की तरह कंफ्यूज्ड है। हम पुष्कर में साथ थे तभी तो कुछ नहीं कहा, बाइक पर बैठे पायल को बचाया, मेरा व्रत भी तुड़वाया, तभी एक शब्द नहीं कहा। अब यहाँ आके सीधे पापा को जाके कह रहा है, ऐसा कोई कैसे हो सकता है? सब अंदर ही अंदर बोझ की तरह दबाए रखता है। खड़ूस है पर दिल का बुरा भी नहीं है वो, बस पागलों वाली हरकतें करता है। चाची आप प्लीज समझाइए ना उसे कि ऐसे नहीं हो सकता। ओके ओह नो, ये तो अभी क्या था, इतने जल्दी कैसे आ गया? गई आप, घर के काम समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, चलें शुरू करें। कैसे काम? शादी के काम, सारे काम मेरी माँ अकेली करेगी। शादी? What nonsense? कोई शादी वादी नहीं हो रही और मुझे तो इस बारे में तुमसे बात ही नहीं करनी। चलो हटो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। हाँ तुम चाची को आवाज लगाऊंगी ना, दो थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हें। अच्छा माँ, थप्पड़ लगाने तू बाहर आ रही है या मैं अंदर आऊं? आप एक मिनट यहीं रुकिए, आधे मिनट में। क्यों, मैं क्यों रुकूं यहाँ पर? कि मैं कह रहा हूँ आपको, तुम गवर्नर लगे हो यहाँ के। मैं नहीं रुक रही, मुझे घर जाना है। आपको पायल की कसम। कर रहे हो? सुनो, मैं नहीं रुक सकती, मुझे घर जाना है। ठीक है तो जाओ। ऐसे कैसे जाऊं, पहले कसम हटाओ, मासी हूं मैं पायल की। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए मौसी जी। क्या हुआ मां? अथर्व तू ठीक कहता था बेटा, मैंने विविधा की आंखों में तेरे लिए प्यार देख लिया। वो वाकई में तुझसे प्यार करती है बेटा। पता है माँ, कुछ नया बता। अथर्व, जो लड़की एक एक जानवर से इतना प्यार कर सकती है, उसके लिए दी गई कसम के लिए अपने पांव बांधकर एक जगह पर खड़ी हो सकती है, मैं सोच सकती हूँ।
मुझे कितना प्यार देगी। बेटा ये लड़की कभी तेरा दिल नहीं तोड़ेगी। अब मेरा एक छोटा सा काम कर दे। क्या? मेरे लिए मेरी बहू की कलाई का नाप ला दे। क्या? हाँ, नहीं तो तेरी सास कहेगी बहू को शगुन के कंगन भी नहीं चढ़ाए। अभी ले माँ। ए सुनो, शर्त खत्म, मुझे घर जाना। अपनी खटारा हटाओ। जरूर, पहले अपनी चूड़ी तो दो। चूड़ी क्यों? मुझे नहीं चाहिए, माँ को चाहिए। आपके कलाई का साइज, वो कंगन बनाना है ना शादी के लिए। क्या कर? चूड़ी माय फुट। जूती निकालू क्या तुम्हारे लिए? नहीं, उसका साइज बाद में, फिलहाल सिर्फ एक चूड़ी चाहिए, दो ना। सुनो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम पागल हो चुके हो। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी वादी। क्यों? क्यों क्या क्यों? जबरदस्ती है क्या? मैं क्या, कोई भी लड़की क्यों करेगी तुमसे शादी? हर वक्त तंदूर की भट्टी की तरह गर्म होते हो, हंसते ऐसे हो जैसे हंसना कानूनी जुर्म हो। बोल कर जाते हो कि बात नहीं करूंगा और फिर आके शादी की शर्त लगाते हो। ऐसे पागल इंसान से नहीं करनी मुझे शादी। और हाँ, मैं एक नॉर्मल इंसान से शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह पागल से नहीं। और मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करती। नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। नहीं, छोड़ो हाथ। से कुछ नहीं होता आपको? नहीं। जब नजर से दूर होता हूं तो मेरा ख्याल नहीं आता दिल में। जाना दिल से नहीं। बंद आंखों से मेरा चेहरा नहीं देख दिया? नहीं। जब आपके सारे सवालों का जवाब ना है तो प्यार के नाम से रोंगटे क्यों खड़े हो गए आपके? जब आपके सारे सवालों का जवाब ना है तो प्यार के नाम से रोंगटे क्यों खड़े हो गए आपके? नहीं करती। तो साबित करो, मुझे नहीं, खुद को। मैं तो जानता हूं आप उससे प्यार करती हैं, आप नहीं जानती। मैं 3 सबूत देता हूं आपको। पहला, कल सुबह ही आंख खोलते आप सबसे पहले मेरे बारे में सोचेंगे। सबूत नंबर 2, कुछ भी खाते वक्त आपको मेरा ख्याल आएगा। सबूत नंबर 3, जब जब मेरी याद आएगी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। आप अब तक मेरी बाहों में क्यों? बाहों में? Nonsense।
लगता है पापा ने बहुत खिला खिला के मोटा किया है आपको। शादी से पहले घटा लेना वजन। मैं मोटी नहीं हुआ, और हाँ कोई शादीवादी भी नहीं हो रही। देखो मुझे एक फिट वाइफ चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ इन योर ड्रीम्स कोई गलत फहमी मत पालो, ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही कोई शादी हो रही है। बहू के कंगन का नाप ढाई का है, बनवा ले। तुम तो बहुत प्यारा हो ना, पता है। शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद क्या करोगी तुम? हे मुरली मनोहर, मेरे बच्चों की खुशियों पर आंच ना आने देना। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।